सो हेलो क्लास, फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल मेरी पढ़ाई पे। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स में चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर बताया, बहुत अच्छे फीडबैक आ रहा है आपका, अच्छा लग रहा है, मोटिवेट हो रहे हैं हमारी टीम। तो प्लीज आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, चीजों को समझते रहें। कोरोना चल रहा है, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और घर पे रहें। देश का जरूर ध्यान रखें, देश हमारा पहले, बाकी सारी चीजें आपके नेक्स्ट पे, ठीक है। तो हम बात करते हैं आज इलेक्ट्रिसिटी में। हम बात करेंगे पहले तो जो हमने पढ़ाया है वो आप देख लीजिएगा, पहले जो लेक्चर हमने पढ़ाया उनको जरूर देखना। लास्ट के कॉन्सेप्ट जो मैंने क्लियर किए हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम आगे आपको बताने वाले हैं हमारी अपनी चैनल मेरी पढ़ाई पे, मेरी फिजिक्स। आप देखिए आगे, तो हमने जैसा आपको बताया कि कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स इन न्यू एरा बाय अभय पटेल, जैसा कि मैं हूं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, कैसे बनती है, क्या क्या फैक्टर्स वर्क करते हैं उसमें, क्यों आते हैं फैक्टर्स, ये चीजें जानना जरूरी है हमें। अगर हमें कोई नई चीज इन्वेंट करनी है तो हमें चीजों की तह तक जाना होता है कि ये चीज हो क्यों रही है, ठीक है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये चीज अगर हमें ये पता चल जाएगा कि ये चीज कैसे ऐसे हो रही है, जैसे मैंने मार्कर ऐसे लिख दिया, तो ये मार्कर जो है मेरा बोर्ड पे क्यों चला, तो चला कैसे, ये जब माइंड में चीजें जनरेट होगी ना, तो आप समझ लो आप जो है साइंटिस्ट बनने की तरफ बढ़ चुके हो, ठीक है। तो वही चीज मैं आपके माइंड में हमेशा ये कोशिश करती है हमारी टीम कि आपको एक नई इन्वेंशन की तरफ, आपके पेडागोजिकल मेथड को बढ़ाया जाए, आपकी कैचिंग पावर को इनहेंस किया जाए, ओके क्लास। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो देखिए। तो हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो क्या होता है, ये क्या है, ये कोई कंडक्टर है, क्या है ये एक कंडक्टर है आपका, यानी कि ये कंडक्टर इन द सेंस ये एक वायर है, क्या है ये एक वायर है। अब आपको पता है, मैंने बताया भी था वायर में इलेक्ट्रॉन ही क्यों फ्लो होते हैं, ठीक है, सारी चीज बताई थी। अब जब अगर उसमें पॉजिटिव चीजें जा रही होती हैं, उसका यानी दो चार्ज होते हैं प्लस और माइनस, तो प्लस की डायरेक्शन क्या होती है और माइनस की डायरेक्शन क्या होती है वो देखो। प्लस की डायरेक्शन आपकी ये होगी, ठीक है, लिखा भी जैसे डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, किसकी डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज की। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमेशा ये डायरेक्शन रहेगा, ठीक है, करंट की डायरेक्शन हमेशा ये रहेगी। अब बात करते हैं अगर हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, ठीक है, क्या होती है, इधर होती है, यानी ये पहला फिगर हो गया और ये दूसरा फिगर हो गया। दोनों फिगर हमने ये देखा कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या होती है और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, ये हमने देखा और समझा। तो आप ये देख लो पहले, ठीक है, उसके बाद आपको आगे क्या कौन से बताएंगे। ओके क्लास, तो अब हम आगे देखते हैं, अब हम ये जान लें थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें हैं जो आपकी, ये बेसिक चीजें हैं क्या, 1 मिली वोल्ट इज इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट, ठीक है, यानी मिली मतलब आपको बस समझना है कि मिली मतलब 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट, दो वोल्ट है, ठीक, समझ में आ गए, वेरी गुड। अब आगे देखो, 1 माइक्रो मतलब क्या होता है 10 की पावर माइनस 6, और माइक्रो का जो साइन होता है वो, ठीक है, क्या होता है माइक्रो का साइन, ये होता है, ठीक। अब अगर माइक्रो की बात करते हैं, माइक्रो मतलब 10 की पावर माइनस 6, और वोल्ट ऐसा का ऐसे लिख दिया, देखो है बिल्कुल इजी है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर करते हैं सर्किट के थ्रू, ठीक है, ये चीज मैंने बताई भी थी। अब मैं एक जगह सारी चीजों लेके आ रहा हूं ताकि आपके माइंड इधर उधर नहीं जाए, सर ने बहुत अच्छा पढ़ा दिया, आप सारी एक जगह गला के दिखा दिए, तो माइंड से जाएगी नहीं, एकदम इमेजिनेशन रहेगी, आपको सब याद रहेगा, ठीक है, और यही हम चाहते हैं कि बच्चों आप अच्छे से पढ़ाई जरूर करो। उसके बाद हम बात करते हैं सेल्स की, क्योंकि मैं इसलिए बताता हूं
ठीक है, ये सारी चीजें आप जब आगे जाओगे आईआईटी जैसी प्रिपरेशन करोगे या हमारे चैनल पे आईआईटी की प्रिपरेशन कराई जाएगी अगर वो करोगे आपको, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ये समझ में आएगा तो वो चीज आपकी कैचिंग पावर बहुत इजी हो जाएगी, वो चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा जरूर बताता हूँ आपको कि आप जो मैं आपकी सिनेरियो बना रहा हूँ माइंड में, ठीक है, वो आप बनाते मतलब अपने माइंड में स्टेबल करते हुए चलो। ठीक है, इससे क्या होगा जो आगे की चीजें आएंगी वो आपको बहुत आसानी से और अच्छे समझ में आएंगी, और हम आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लोगे तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे सीबीएसई हर बार सीबीएसई क्या करता है कि कुछ ऐसा पूछता है जो कॉन्सेप्चुअली होता है, यानी वो कहीं बुक में होता जरूर है लेकिन बुक में फिर भी नहीं होता है। कैसे, ये तो आप सोचो ये सर ने क्या बोल दिया। हाँ, जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको फिगर में दिख रही होती हैं, ठीक है, आपको नहीं हमें दिख रही होती, हमें तो बताना होता आपको, तो वो चीजें आपको बताते हैं तो वही सीबीएसई उसको कॉन्सेप्चुअली पूछता है, वो आप तब कर पाओगे जब इनको आप अच्छे से समझोगे। ठीक है, समझदारी ज्यादा जरूरी है रटने की बजाय, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो हम देखो बात करते हैं सेल। सेल का सिंपल हमने बताया था, सेल हमेशा ऐसे बनता है और जो बहुत सारे सेल जोड़ दिए जाते हैं यानी ये तो वो क्या बन जाती है, प्लस माइनस, ये बन जाती है हमारी बैटरी। क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। तो ये देखो सेल और ये प्लस है, ये माइनस का डायरेक्शन हमेशा इधर से इधर जाएगी, और ये की है की मतलब दबा दो, ऑन कर दो, ऐसे किया खट से ऑन कर दिया एकदम, चलने लगा भाई करंट। ठीक है भाई, करंट फ्लो हो रहा है तो आने लगा देना, तो बस चपक जा रहा है तुमको। फिर देखो ये हमारा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, अगर वायर को हल्का सा बेंड कर दोगे तो वो बन जाता है रेजिस्टेंस, मतलब जो करंट को क्या करता है, जो करंट को अपोज करता है वो रेजिस्टेंस है। कैसे, हमने भी बताया था, अगर कोई वायर ऐसा है तो करंट सीधे निकल जाएगा, और अगर कोई वायर ऐसा है तो करंट क्या होगा, ऐसे 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 ऐसे। अब देखो इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, इसमें टाइम लग रहा है, आप खुद देख लो। ठीक है, ये फिजिक्स है, यही मैं आपको बता रहा हूँ, यही क्लियर कर रहा हूँ, जैसा पढ़ा रहा हूँ बस पढ़ो। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें करंट जल्दी जाएगा इसे कंपैरिजन ऑफ इसमें, इसका मतलब ये हो गया ये करंट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है तो उसने क्या बना दिया, रेजिस्टेंस बना दिया। क्लियर हो गया, ये सारी चीजें वो पूछता है सीबीएसई, ये पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो तो हो क्यों रहा है, ये वो चाहता है बच्चों का एक साइंटिफिक इमेज माइंड में तैयार हो और वो कुछ सोसाइटी को नया करें। इसीलिए सीबीएसई देखो हर बार प्रोजेक्ट वर्क बनवाता है। ठीक है, स्कूलों के बच्चे इस स्टेट से उस स्टेट जाते हैं, वो फिर ये देखता है कि कम पैसे में ज्यादा अच्छा किसने बनाया है, क्योंकि वो फिर उसको नेशनल लेवल पे ले जाता है। ठीक है बच्चों, तो मेरी इमेजिनेशन को समझो, मैं जो चाह रहा हूँ आप लोगों से उसको समझो, और प्लीज आप अच्छे से पढ़ो, हम पढ़ा देंगे मेरा वादा है, आप बस अच्छे से पढ़ो ध्यान लगा के। ठीक है, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो। अब बात करते हैं ये रेजिस्टेंस है और ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना, वोल्ट मीटर हमेशा कैसे वर्क करता है, पैरेलल में कैसे वर्क करता है, पैरेलल में वर्क करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेजरमेंट किसका होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब प्लस और माइनस, यानी ये इधर आके प्लस जुड़ गया और ये इधर से आके माइनस। ठीक है, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, या दूसरी चीज, ये करंट इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर से इधर इधर फिर इधर जाएगा, यानी यहां और यहां के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है, यानी वायर के प्लस और माइनस के बीच में जो डिफरेंस मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस। ठीक है, अब बात करते हैं हम, पहले उसको देख लो, दो मिनट दे रहा हूं उसको देख लो फिर आगे बता। चलिए क्लास, अब हम आगे शुरू करते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का क्या पढ़ेंगे, वेरिफिकेशन, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ओम्स आपको बताया है, अब उसका वेरिफिकेशन देख लेते हैं। अब हम क्या देखेंगे, ये कीज है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास कीज है और इसको क्या बोलते हैं हम, अमीटर बोलते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम अमीटर, क्या बोलते हैं, अमीटर बोलते हैं। ठीक है, और ये आपको क्या है, वही सेम चीज, वोल्ट मीटर, क्या है, वोल्ट मीटर, और ये आपका वही सेम रेजिस्टेंस वायर। मतलब कहने का मतलब ये है हमारा कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगा होता है और अमीटर जो होता है वो हमेशा सीरीज में लगा होता है। कैसे लगा होता है, सीरीज में लगा होता है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगा होता है और अमीटर हमेशा सीरीज में लगा होता है। ठीक है, अब ये जो है बैटरी है,
और ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट क्या करता है आपको ये जानना है, रियोस्टेट होता क्या है, कैसे वायर वर्क करता है, क्या काम करता है, अभी आपको बताते हैं। रियोस्टेट आप ये समझ लो ऐसे वायर होता है, एक बार आके इसमें रुक गया तो इसमें से करंट आ रहा है, देखो समझना इस चीज को, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और यहां से करंट आ रहा है तो इसमें आएगा, इंगेज हो जाएगा तो करंट को क्या करेगा, रोकेगा, यानी करंट को कंट्रोल करने का काम, यानी करंट को कंट्रोल करने का काम, यानी जो ये यहां से करंट आ रहा है ठीक है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, रियोस्टेट करता है। बनता कैसे, एक वायर ले लो, दूसरा वायर उसमें इंसर्ट करा दो, इजी ठीक है। तो यही है बोलना, बस यहां से जाने का मतलब यही है, अमीटर हमेशा सीरीज में होता है, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में होता है ठीक है, बहुत सारे सेल मिलकर बैटरी बनाता है ठीक है, और रियोस्टेट का वर्क क्या होता है, और ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट होता है किसका, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन हो जाता है यहीं से ही। क्या इसमें ये जो वी है इसमें जो करंट फ्लो होता है ठीक है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है डायरेक्टली, तो मतलब कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये सब ध्यान रखना बच्चों। उसके बाद फिर ये हटाते तो उसके लिए क्या ले लेते हैं, फिर हाँ आई और आर, यही से बनता है, इसको हटाते तो उसकी जगह एक कॉन्स्टेंट ले लेते हैं जिसको बोलते हैं आर ठीक है। ये हमने इससे पहले वाला लेक्चर बताया, जिसको ये हल्का सा फुल्का कोई डाउट हो जरा सा भी, इससे पहले वाला लेक्चर देखो और समझ लो। तो क्लास आई होप इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा ठीक है। अब प्लीज लेक्चर को पॉज कर करके अच्छे से देखना, और फिर से कोरोना चल रहा है, आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें, देश का जरूर ध्यान रखें। जय हिंद।